हेलो फ्रेंड्स, मैं दामू और आप देख रहे हैं मैकेनिकडी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2018 के बेस्ट वीडियो एडिटर के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप एकदम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है, आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन एकदम न्यू है, इसको बनाया है फिल्मोरा ने और इसका नाम है ब्लॉगिट। और इसका फ्रेंड मैं आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सीधे आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शायद आपको ना मिले वहाँ पर, तो मैं इसलिए आपको लिंक भी छोड़ दूंगा। और आपने कुछ इस तरह से इसको ओपन करना है डाउनलोड करने के बाद। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे यूट्यूबर हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक नया फीचर इसमें ये है कि आप जब वीडियो एडिट कर लेते हो तो लास्ट में आप वहाँ पे अपना थंबनेल भी डिजाइन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और काफी कूल एप्लीकेशन है ये। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अब अगर आप एज ए गेस्ट जाते हो तो यहाँ पे आपको लास्ट में 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे फिल्मोरा का वाटरमार्क मिलता है। और अगर फ्रेंड यहाँ पे आप फेसबुक, ट्विटर और जीमेल से जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलेगा। और सारी एडिटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये है मेरा अकाउंट जो कि मैंने बनाया था। सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे बिल्कुल। और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा, और यहाँ पे मैं अब बिना मतलब कि वोटर मार के अपनी वीडियो को एडिट कर सकता हूँ एकदम प्रोफेशनल और एडवांस तरीके से। तो यहाँ पे मेरी ये है इस तरह की कुछ टाइमलाइन, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। अब आप यहाँ से देखिए कैमरा से रिकॉर्ड करके भी अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है तो आप उसे लाइब्रेरी से भी उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं इस वीडियो को एडिट करने वाला हूं, तो यहां से ये वीडियो मैंने चूज कर लिया है। और यहां पे अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि ये वीडियो मेरा टाइमलाइन में आ जाए और वहां पे मैं इसको एडिट कर सकूं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा देखिए यहां पे। और देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहां पे मैं थोड़ा सा वीडियो आपको चलाकर दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरह का वीडियो होगा। और यहां पे जैसे कि दूसरे यूट्यूबर करते हैं कि अपना टैक्स देते हैं शुरू में ही, तो आप इस तरह से या तो अपना नाम या अपने चैनल का नाम यहां पे एडिट कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा कुछ चीजें। तो यहां पे देखिए मैं अपना शॉर्ट में ही अपने चैनल का नाम लिख रहा हूं, और यहां पे आप देखिए इसको अलाइन करना चाहो तो अलाइन भी कर सकते हो, जहां पे भी आपने रखना है। उसके बाद यहां पे आप इसको राइट पे क्लिक करोगे, और फ्रेंड यहां पे आप अपने जो भी आपने यहां पे टैक्स दिया है आप इसको यहां पे स्टाइल भी दे सकते हो, मतलब कि जो भी आपने स्टाइल देना है। तो यहां पे बहुत सारे कूल कूल यहां पे स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपने जो भी रखना है आप यहां से इसको रख सकते हो, यहां पे बहुत सारे हैं। और यहां पे आपने अगर इसका कलर चेंज करना है, जैसे कि उसमें व्हाइट था तो आप कोई भी कलर यहां पे ले सकते हो, और यहां पे आप अपना इसका बैकग्राउंड भी ले सकते हो। अब यहां पे देखिए आपको यहां पे मिल जाता है मतलब कि फॉन्ट, जैसे भी आपने अपना फ़ॉन्ट रखना है तो आप जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एनिमेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइपर वाला, तो आप टाइपर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है फेड इन और फेड आउट का, तो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइपर का है तो मैंने इसको ले लिया है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे राइट कर देना होता है, और ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्राइक भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पे बहुत सारे स्टाइकर आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहां पे आपको इमोजी भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहां पे इमोजी भी यूज कर सकते हैं या स्टाइकर भी यूज कर सकते हैं। तो स्टाइकर में यहां पे एक स्टाइकर दिया गया है सब्सक्राइब के लिए, तो आप इस तरह से इसको भी एडिट कर सकते हैं, और यहां पे राइट यहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑडियो के लिए। फिर अगर आपका वीडियो कुछ इस तरह के आप उसमें म्यूजिक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको मिला है। और यहाँ पे देखिए जैसे आप म्यूजिक में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है म्यूजिक की, और कुछ यहाँ पे इनके खुद के म्यूजिक हैं तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ पे इफेक्ट मिल जाते हैं, तो कुछ इफेक्ट हैं तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। और आपके डिवाइस के जो यहाँ पे म्यूजिक है वो मिल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये म्यूजिक जो आपके डिवाइस में है ये कॉपीराइट नहीं होने चाहिए। अगर आपका यूट्यूब के लिए आप वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दो कुछ इस तरह से। और यहां पे देखिए आप फ्रेंड, यहां पे आपको बेसिक टूल मिलता है ऊपर, तो आपने इस पे क्लिक करना होता है जो कि आपकी टाइमलाइन होती है यहां पे, और एडिट बटन पे। तो यहां पे आपको मिलता है ट्रिम और स्प्लिट करने के लिए, और काफी सारे टूल मिलते हैं, तो यहां पे मैं इनको यूज करके बताता हूं। तो यहां पे आपकी जो वीडियो आप यहां से देखिए इसको ट्रिम कर सकते हो, मतलब कि काट सकते हो। तो आप यहां पे आगे पीछे जहां से भी जितना काटना चाहते हो वीडियो इस तरह से काट सकते हो। तो यहां पे मैं वीडियो को छोटा ही रखने वाला हूं ताकि मैं आपको जल्दी से बता सकूं वीडियो एडिट करके। और यहां पे आपने देखिए अब स्प्लिट करना है वीडियो को, तो आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब कि अपनी वीडियो को तोड़ सकते हो दो भागों में। तो आपने जैसे भी इसको स्प्लिट करना है आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, और यहां पे राइट कर सकते हो। अब आपका वीडियो देखिए 2 में टूट गया होगा, तो यहां पे देखिए ये वीडियो है और यहां पे दूसरा वीडियो है, मतलब कि स्प्लिट हो चुका है। यहां से आप स्नैप ले सकते हो और यहां से इसको क्रॉप कर सकते हो। तो मैं आपको क्रॉप करके भी बता देता हूं, और काफी सारी चीजें मैं जल्दी बता रहा हूं, तो आप जब इसको करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस यहां पर आप इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए, और यहां पर आप देखिए जैसे कि इसको वीडियो को जैसे कि रोटेट करने की जरूरत होती है, तो यहां पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। यहां से आप इसका डुप्लीकेट बना
बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसका डुप्लीकेट मिल गया होगा, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पे डिलीट करना हूँ कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये डिलीट भी हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम का मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी म्यूजिक इंसर्ट किया है तो आप अगर चाहते हैं कि मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना रखना है तो आप यहाँ से इंक्रीज बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे फेड इन फेड आउट का मतलब यहाँ पे होता है कि वॉल्यूम जब वहाँ पे म्यूजिक शुरू होगा तो वो धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे जाएगा। फेड इन फेड आउट का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे ये सारे टूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अगला टूल के बारे में बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मिलता है आपको PIP। तो PIP में आप कोई भी वीडियो यहाँ पे दूसरा एडिट वीडियो यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि इस वीडियो को यहाँ पे एडिट कर सकते हो और यहाँ पे ये वीडियो चला सकते हो। तो ये होता है PIP, तो मैं इसको भी रहने देता हूँ। और यहाँ पे अब मिलता है ट्रांजिशन। तो फ्रेंड ये है ट्रांजिशन, जैसे कि ट्रांजिशन के लिए पहले एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जब जाते हैं तो जहाँ वहाँ पे जो बीच में इफेक्ट आता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस पर क्लिक करना होता है और जो भी आप बीच में देखिए ट्रांजिशन देना चाहते हो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रांजिशन इस तरह से के ट्रांजिशन आपको मिलेंगे और जो भी ट्रांजिशन आप देखना चाहते हैं जैसे कि इस तरह से, तो काफ़ी ट्रांजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी कूल कूल यहाँ पे ट्रांजिशन है। तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। और अब बात आती है स्पीड की। तो फ्रेंड कुछ यहाँ पे होती हैं कि वीडियो बड़ी होती हैं तो आप उनकी स्पीड बढ़ा करके जैसे कि यूट्यूबर करते हैं आप उन चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसे भी आप जैसे कि इस वीडियो में मैं जो कि ये पार्ट था मेरा स्प्लिट करा हुआ, तो इसमें मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूं, तो सिंपली यहां पे स्पीड जितनी रखना चाहता हूं उसको रखूंगा और यहां पे आपको राइट बटन मिल जाता है, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो अब इस पार्ट की यहां पे स्पीड काफी बढ़ गई होगी। अब यहां पे आपको लास्ट में मिलता है फिल्टर, तो आप इस तरह से फिल्टर भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे काफी कूल कूल यहां पे देखिए ट्रांजिशन मिल जाते हैं। तो यहां पे आप अपने देखिए जैसे कि यहां पे इस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे इसमें यूज कर देता हूं ये वाला, और इस वाले इसमें जैसे कि मैं यहां पे ये यूज करना चाहता हूं दूसरा ट्रांजिशन। तो कुछ इस तरह से आप अपने ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो जो भी आपने यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिशन नहीं है फिल्टर है, तो आप इस तरह से अपने फिल्टर यूज़ कर सकते हो और अपनी वीडियो को काफ़ी कूल बना सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से आप अपनी पूरी अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। और जब आपकी पूरी पूरी वीडियो एडिट हो जाती है तो आप यहाँ पे देखिए आपको ऊपर मिलता है कुछ इस तरह से इस वीडियो को मूवी में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो आपने एडिटिंग की है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी और काफ़ी अच्छी स्पीड आती है वो आपकी, मतलब कि कितनी देर में आपका वीडियो यहाँ पे बन जाता है वो आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। और अब इस वीडियो एडिट करने के बाद थंबनेल कैसे क्रिएट करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसका वेट करिए और मैं यहाँ पे वेट करता हूँ इस चीज़ का। फ्रेंड देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीड आती है इसकी वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए और यहाँ पे 30 से 40 सेकंड में ही वीडियो हमारा तैयार हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट थंबनेल पे। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और आपने अब थंबनेल बनाना है तो आप इस पर क्लिक करें क्रिएट थंबनेल पे। और आप देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं मतलब कि वो इफेक्ट ना लगाता फिल्टर तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आता, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मैं इसको एडिट करने वाला हूँ यहीं पे और इसी को एडिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप फ्रेम ऐड कर सकते हो, बॉर्डर ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताने वाला हूँ और आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा के काफ़ी अच्छे अच्छे थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने जैसे कि ये वीडियो है हमारी मिरर क्यूब के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मिरर क्यूब लिख करके। और आपने यहाँ पे अपना थंबनेल में वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपका वीडियो होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और आपने अब इसका देखिए यहाँ पे टैक्स चेंज करना है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी टैक्स लेना चाहते हैं जो भी आपको पसंद आता है आप उसको यहाँ पे ले लें। और यहाँ पे मेरे को ये पसंद आ रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये दिखे सबको जब थंबनेल लगे तो सबको। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपने इसको यहाँ पे ऐड करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जो भी कलर आपको यहाँ पे पसंद आता है आप वो कलर ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप कोई भी अगर अगला टैक्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बस एक बेसिक यहाँ पे थंबनेल बनाया है मैंने। तो आप इस तरह से यहाँ पे थंबनेल क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे राइट करके आप अपना थंबनेल यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एडिट के लिए और आपने इसको सेव करना है, तो आप अपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव कर दोगे और यहाँ पे देखिए सेव हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो भी एडिट कर लिया है और अपना थंबनेल भी डिज़ाइन कर लिया है एक ही एप्लीकेशन से। और इस एप्लीकेशन में वीडियो में यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे वाटरमार्क नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना वीडियो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना सभी के साथ, और आपको पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।